असलम एवरी वन आई होप यू आर डूइंग वेल सो आज हम मैथ्स टू जीरो टू की ऑब्जेक्टिव का सेकेंड पार्ट जो है वो कवर करने जा रहे हैं सो so, सबसे पहले आपके पास एम सी क्यू है बाइंड्री रिलेशन हट इज़ कॉल्ड पार्शल ऑर्डर रिलेशन इफ़ अब कोई भी रिलेशन है आपके पास बाइंड्री रिलेशन uh, अब उसको पार्शल ऑर्डर रिलेशन कब कहेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव uh, होगा जब वो सीमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो अब ये देखें कि कोई भी रिलेशन लाइक like कोई भी बाइनरी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर जो है वो तब होता है जब वो रिफ्लेक्स भी रिफ्लैक्सिव भी हो एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो ठीक है तो डेल्टा आपके पास ऑप्शन ठीक है अच्छा द ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन अच्छा अब जो ऑर्डर्ड पेयर्स तो अब ऑर्डर्ड पेयर्स बेसिकली क्या होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी ए सी बी ए तो ये हर कोई अलग अलग जो है वो एक एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि किसी रिलेशन में मौजूद ना हो तो वो कहाँ पे मौजूद होने चाहिए लाजमी दे मस्ट बी प्रेजेंट इन कम्प्लीमेंट्री रिलेशन तो कम्प्लीमेंट्री रिलेशन में अगर लाइक एक रिलेशन आपके पास उसमें जितने भी एलिमेंट्स नहीं हैं मौजूद वो उसके कम्प्लीमेंट में उसके ऑपोजिट में ज़रूर मौजूद होने चाहिए ठीक है तो इसके इसकी ये ऑप्शन आपके पास ठीक है अच्छा अब नक्स्ट है आपके पास द रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज शोन इन फिगर इज अच्छा अब ये इस तरह की आपको कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम या इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको दी जाती है और बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं तो आपने कैसे बताना है अब फर्स्ट पॉइंट इसमें लॉजिकली जो है वो ए बन रहा है अब ए से देखें ए से हेड जो है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है ए बी तो आपने मेंशन कर दिया A, B, ठीक है उसके बाद ए से कहाँ जा रहा था सी पे तो मैंने लिख दिया ए सी उसके बाद ए से और कहीं नहीं जा रहा ठीक है उसके बाद बी की बारी आ गई अब बी से जो है वो एक ए की तरफ एरोड जा रहा है तो आपने बी ए लिख दिया फिर एक डी की तरफ जा रहा है तो बी डी इसी तरह फिर सी का देख लिया अब ये लूप बना हुआ है ना तो इसका मतलब है कि ये खुद अपने पास ही दोबारा लूप में वापस आ रहा है तो सी सी यहाँ पर हो गया सी सी ठीक है और एक सी जो है डी की तरफ डायरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपने लिख दिया सी डी अब डी को एस हम देखें तो ये इसका एरोड और कहीं नहीं जा रहा तो इसलिए इसको ऐसे कोई इसका ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा इसको मैंशन भी नहीं किया हुआ ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास सर्किट विद टू इनपुट सिग्नल्स एंड वन आउटपुट सिग्नल इज़ कॉल्ड अब दो इनपुट सिग्नल हूँ आपके पास और एक आउटपुट सिग्नल तो इस सर्किट को क्या कहते हैं तो अब देखें नॉट गेट या इन्वर्टर तो इसको नॉट गेट तो नहीं कहते क्यों क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है ठीक है और नेक्स्ट है एंड गेट और फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस तो एंड गेट जो होता है उसमें दो इनपुट्स और एक आउटपुट होती है तो इस हिसाब से ये बीटा जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है एंड गेट अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि अगर आपके पास ऑप्शंस में और गेट भी होता तो एंड और और गेट दोनों ही ठीक होने थे क्यों क्योंकि एंड गेट में भी दो इनपुट्स और एक आउटपुट होती है और इसी तरह से और गेट में भी आपके पास दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट तो ये दोनों ठीक हैं लेकिन नोट में सिंगल सिंगल होता है इसलिए ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन दैन इट्स इनवर्स इज अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी वैसे आ जाते हैं तो आपको कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है लाइक एफ ऑफ एक्स तो अब आपने इसका इन्वर्स बताना है अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आप पास राइट हैंड साइड पे दी होती है ना वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है सबसे पहले आपने इसको वाई के इक्वल पुट कर देना है तो आपने ये देखें इसके सेकंड स्टेप में जो है वो पुट कर दिया वाई इज़ इक्ल टू टू एक्स प्लस वन अब इस सेकेंड स्टेटमेंट से आपने क्या करना है कि टू एक्स एक साइड भी रहने दें और बाकी सारा उधर उद, शिफ्ट कर दें तो लाइक आपके पास आ गया टू एक्स इज ईक्ल टू वाई माइनस वन क्योंकि अब वन इधर प्लस था तो डेफिनेटली उधर जाके माइनस हो जाना है अब टू एक्स की जगह हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इनवर्स फाइंड करने के लिए तो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा लाइक टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना एक्स के साथ तो इस साइड पर आके ये देखें आपके पास थर्ड स्टेप में जो है वो डिवाइड हो गया दूसरी साइड पर जाके तो ये जो आपके पास पूरी स्टेटमेंट आई है एक्स इज़ इक्वल टू वाई माइनस टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ये आपके पास जो है वो क्या है इसका इन्वर्स है तो इसी को जो है वो दूसरी फॉर्म में इन्होंने चेंज करके लिखा हुआ है मतलब इस पूरे एक्स माइनस वन को वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास यही स्टेटमेंट आती है ठीक है मतलब बस एक्स और वाई को जो है वो आपने रिप्लेस करना है अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया नल सेट इज डिनोटेड बाय ये हमने पढ़ा था सेट थ्योरी जो सेवन चैप्टर है उसमें तो नल सेट जो है इसको फाई या लाइक एम्प्टी ब्रेसिस से एम्प्टी कड़ी ब्रैकेट से जो है वो डिनोट करते हैं ये अल्फा ऑप्शन आपके पास ठीक है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका टोटल नंबर जो उसको है उसको कार्डिनलिटी कहते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अब आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और आपने ये एक्सप्रेशन जो है वो मैनिपुलेट करना है वैलुएट करना है तो आपने सबसे पहले क्या किया कि जो एक्स था बाहर इसको अंदर वाले टू एफ़ और वन जी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया एक्स जब टू एफ़ के साथ हुआ तो टू एफ़ एक्स माइनस वैसे का वैसा आ गया और एक्स जो है वो वन जी के साथ हुआ तो जी एक्स जी ओफ एक्स बन गया अब टू वैसे का वैसा कॉन्स्टेंट है तो वैसे ऐसे ही रहेगा उसके अलावा एफ़ ओफ़ एक्स और जी ओफ एक्स की आप वैल्यू पुट कर दें और इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लें तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन अच्छा अब उसके बाद देखें कि लेट ए नॉट एफ जीरो इज ईक्ल टू वन ए वन इज इक्वल टू माइनस टू ए टू इज इक्ल टू थ्री और ये समेशन का जो पूरा क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है तो अब देखें यहाँ पे नीचे इसके इंडेक्स में जे जो है वो जीरो से टू तक वेरी कर रहा है और जे इसकी सब्सक्रिप्ट में है तो इसको यहाँ पे देखें अब समेशन के साइन का मतलब होता है कि ए ज़ीरो प्लस ए वन प्लस ए टू मतलब ये जे ज़ीरो से टू तक जा रहा है ना तो ज़ीरो से लेकर टू तक हम लेके गए हैं और इन ए जीरो की क्या वैल्यू है ए वन की क्या ए टू की ये आपको गिवन है तो बस आपने इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी है दरम्यान में प्लस का साइन क्यों क्योंकि समेशन को हम डील कर रहे हैं इसलिए ठीक है और इस तरह से ये सारा टोटल किया तो आपके पास आंसर आ गया टू ओके नेक्स्ट है आपके पास स्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट Functions uh, cannot be defined recursively, sets can be defined recursively. The process of defining an object in terms of smaller variants is called recursion. रिकर्सिव डेफिनेशन है टू पार्ट्स बेस एंड रिकर्जन तो अब देखें इसमें सेट्स से में उनको रिकर्सिवली डिफ़ाइन किया जा सकता है ये बिल्कुल ठीक है उसके अलावा ये रिकर्जन की डेफिनेशन है ये भी ठीक है कि अगर एक लाइक आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसी से एवेलुएट करके अगर हम पूरा सॉल्व करें तो इसको रिकर्जन ही कहते हैं ठीक है और इसके पार्ट्स भी दो ही होते हैं एक बेस स्टेप जो हम सबसे पहले अपनी मर्जी से सबसे छोटा बेसिक सा बनाते हैं और उसके बाद उसी को हम आगे जो है वो फर्दर एडवांस करते जाते हैं तो ये रिकर्जन के पार्ट ही हैं तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन क्या रहेगी चार्ली तो फंक्शन जो हैं उनको रिकर्सिवली डिफाइन नहीं किया जा सकता उसके बाद है द ऑपरेशन ऑफ़ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन सेट्स आर कम्यूटेटिव तो दैट इज़ ट्रू क्यों क्योंकि जैसे अब ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है इसी तरह ए यूनियन बी इज इक्ल टू बी यूनियन ए सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी तो मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं ठीक है तो दैट इज़ ट्रू अब उसके बाद है द पावर सेट ऑफ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सबसे पी ऑफ ए तो ये पावर सेट की डेफिनेशन है कि एक सेट के जितने भी सबसेट्स हैं एक अलग से हम अगर सेट बनाएं और उसमें वो सारे सबसेट इंक्लूड कर दें तो हम कहेंगे कि हमारे पास पावर सेट है ठीक है उसके बाद है व्हाट इज़ द आउटपुट स्टेट ऑफ़ एन और गेट इफ द इनपुट्स आर जीरो एंड वन अब और गेट में क्या होता है कि कोई एक भी अगर इनपुट वन हो जाए तो आंसर आपके पास ट्रू आ जाता है वन आ जाता है तो इसमें बीटा ऑप्शन आपके पास ठीक है उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नीचर्स फ्राम वन टू एन इज़ कॉल्ड एन फैक्टोरियल अच्छा अब एन फैक्टोरियल ये कैसे ये देखें एन फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय अप टू एन ठीक है तो वन से लेके एन तक जितने भी इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं अगर उन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाता है किसका फैक्टोरियल आ जाता है एन का क्यों क्योंकि यहाँ पर एन मैंशन है ना आपके पास अपर लिमिट अगर यहाँ पे वन टू फाइव होता तो वो फाइव फैक्टोरियल होता वन टू सेवन होता तो वो सेवन फैक्टोरियल होता इस तरह से अच्छा अब नेक्स्ट है आपके पास लेट ए इज़ इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड आर इज इक्वल टू वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर अब ये बताना है कि रिलेशन जो आपको बाइनरी दिया हुआ है इसमें ये क्या 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 है मतलब सिमेट्रिक है क्या है इसकी नेचर क्या है तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास आर इज सिमेट्रिक अब आर जो है वो सिमेट्रिक ये रिलेशन कब होना है जैसे सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन ऐसे होता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास वन वन एक ऑर्डेड पेयर मौजूद है ना इस रिलेशन में तो इस इन दोनों की लाइक इस वन और इस वन की जगह रिप्लेस कर दें तो क्या बनता है वन वन तो समझ लें ये पहले से मौजूद है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास वन टू होता तो मैं सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करने के लिए ये देखती थी कि देखती कि वन टू तो मेरे पास है अब टू वन भी है मेरे पास रिलेशन में या नहीं तो फिर मैं इस पूरे रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में टू वन ढूंढती ठीक है इसी तरह अब ये टू टू है तो इसका इसके एलिमेंट्स को भी आगे पीछे करें शफ़ल करें तो ये अगेन टू टू बनता है जो पहले से मौजूद है इस तरह से तो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं तो ये सिमेट्रिक तो हो गया उसके अलावा अब एंटी सिमेट्रिक कैसे है एंटी सिमेट्रिक ऐसे है क्योंकि अगर हम फर्स्ट बहुत अगर एक ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हैं टू टू इसमें टू एक पहले टू को ए समझें दूसरे टू को बी तो ए बी ब इसको शफल करें तो बी ए यानी कि टू टू अगेन ये भी मौजूद है इस हिसाब से सीमेट्रिक है और एंटी सीमेट्रिक में क्या होता है लाइक like, इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में फिर सेम होनी चाहिए तो ए टू इज़ इक्वल टू टू तो इस हिसाब से ये एंटी सीमेट्रिक है उसके अलावा ट्रांजिटिव में क्या होता है लाइक इफ़ ए बी जो है वो रिलेशन में आपके पास है और बी सी भी मौजूद है तो ए और सी को आपस में इक्वल होना चाहिए लेकिन इस तरह का कोई भी ऑर्डेड पेयर आपके पास है ही नहीं इस रिलेशन में जिसके लास्ट और दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट की वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव लॉ यहाँ पे इसकी अप्लाई ही नहीं होता और जब इस तरह की स्टेटमेंटों के रिलेशन में वो चीज़ बनती ही ना हो पॉसिबल ही ना हो तो हम कहते हैं कि ये वर्चुअली ट्रू है ठीक है तो इसलिए इसका ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो वर्चुअली ट्रू है और रिफ्लेक्सिव जो है वो ये होता है कि हर कोई अपने साथ लूप बना रहा हो सेम अपने साथ जो है वो पेयर बना रहा हो तो ये सब अपने साथ भी पेयर बना ही रहे हैं तो इसका है कि ऑल गिवन ऑप्शन आर ट्रू सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे आई होप इसमें सब क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन थैंक यू